हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। ये देखिए, ये एक्साइट का जो मैजिक इन्वर्टर है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो आ रहा है इसमें। जैसे ही सप्लाई देंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो साइड में ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पे ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे जो है ये कंटिन्यू जो है ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट का जो सिग्नल है कंटिन्यू बता रहा है। देखिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। तो ये जो बंदे ने पार्टी ने जो कस्टमर ने जो दे करके गया है, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़ोर से बिजली जो है कड़का था यहाँ पे, तो बहुत ही ज़ोर से बिजली कड़कने के बाद जो है उसके बाद से ये इन्वर्टर जो है इस तरह का जो सिग्नल है यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है इन्वर्टर को ओपन करके रखा और यहाँ पर देखिए मॉस्फेट वगैरह जो भी है यहाँ पर कोई भी फटा वटा नहीं है, बिल्कुल सही है। सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट जला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मॉस्फेट भी जो है रीडिंग जो है सही बता रहा है, यहाँ पे कोई भी मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, दोनों चैनल का मॉस्फेट जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जो कंपोनेंट्स इस तरह का जो है बिजली गिरने का टाइम में जलता है, सभी कंपोनेंट्स को जो है हमने चेक किया है, सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। सप्लाई वगैरह भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ, कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वगैरह लगा है सभी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है यहाँ से जो मॉस्फेट से जो लाइन जा रहा है सभी को चेक किया है, सभी बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो गेट आईसी भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे किट आप देख सकते हो, ये SMD किट है, तो सेम जो लिफ गार्ड में रहता है वही सेम किट है यहाँ पे और एक्साइट में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम जो है ये कंपोनेंट से नहीं है। ये जो यहाँ पे माइक्रो आईसी लगा हुआ है, तो देखिए ये माइक्रो आईसी है, ये माइक्रो आईसी को जो है हमने निकाल दिया है। तो ये दूसरा एक सेम किट इस तरह का एक्साइट का मेरे पास पड़ा हुआ है, तो सेम मॉडल है वहाँ से जो माइक्रो आईसी है, मैं इसको निकाल करके चेंज करके देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब लुमिनस माइक्रोटेक ये सब में अगर इस तरह का जो ओवरलोड वगैरह का सिग्नल बताता है तो मॉस्फेट वगैरह फटा रहता है, मॉस्फेट वगैरह ख़राब रहता है, लेकिन यहाँ पे मॉस्फेट वगैरह बिल्कुल सही है और इसका गेट आईसी भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो माइक्रो आईसी हमने अभी चेंज करके अभी लगा रहा है, तो ये देखिए, अगर आपको जो है फुल नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह का कोशिश मत कीजिएगा। बहुत ही नरम काम है यहाँ पे, बहुत ही बारीक जो है यहाँ पे जो सोल्डरिंग होता है आईसी का, क्योंकि SMD किट है, आईसी भी जो है SMD है, तो बहुत ही बारीक से यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ता है। और बिल्कुल एक दूसरे एक आईसी का जो लेक है एक दूसरे के साथ गैप जो है बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे। अगर आप सही तरह से नहीं देखोगे तो दो लेक को भी एक साथ में आप सोल्डरिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आईसी को हम लोग फटाफट लगा लेंगे। लगाने के बाद एक अच्छी तरह से एक बार क्लीन करके बाड़ी से देख लेंगे। ये एक फ़ाइनल ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स कोई भी यहाँ पे ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है, और सभी इसका पल्स वगैरह जहाँ पे कितना पावर मिलना वोल्टेज मिलना चाहिए बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट आईसी भी बिल्कुल सही है। और ज़्यादातर जो है मॉस्फेट ही ख़राब होता है इस तरह से, जब बिजली कड़कता है तो मॉस्फेट भी सही है, और जो डायोड वगैरह है बिल्कुल सही है यहाँ पे।
और यहाँ पे देखिए ये आईसी जो है आपको मार्केट में नहीं मिल सकता है। और नंबर भी देखिए, इसका नंबर भी बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ऊपर जो है एक्साइड वालों ने जो है कुछ यहाँ पे इसका ऊपर कुछ पेस्ट जो है लगा करके गिरा कर ग्लू जो है गिरा करके रखा है, जिससे नंबर जो है हमको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। बस काम इसी में आया कि इस तरह का सेम मॉडल का जो है इन्वर्टर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दूसरा प्रॉब्लम है। तो कस्टमर ने जो है इसको काफ़ी दिनों से यहाँ छोड़ करके रखा है, तो वहाँ से मैं निकाल करके इसको जो है चेक कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कैसे बहुत ही बारीकी से जो है यहाँ पे सोल्डरिंग हो रहा है, और जगह भी एक तरह से देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल टाइट है यहाँ पे जगह। तो दोस्तों देखिए, एक टेस्ट के हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। अगर माइक्रो एसी अगर ख़राब होगा तो इन्वर्टर जो है ये चेंज करने के बाद जो है शायद चलने लगेगा। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में नए हो ना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा अभी क्लीन कर देंगे हम लोग थिनर से। तो देखिए दोस्तों, किट को हमने बिठा दिया है, और अभी देखिए मैं बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये आईसी जो हमने अभी लगाया है, तो अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो इन्वर्टर जो है फैन वगैरह चलने लगा है, और देखिए आउटपुट भी देने लगा है अभी। और देखिए मेंस दे दिया है और मेंस ऑफ कर दिया है, अभी बैटरी मोड में चल रहा है, बैटरी लो बता रहा है, मेंस दे दिया, मेंस आ गया और बैटरी भी चार्जिंग हो रहा है। अभी जो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड का जो सिग्नल आ रहा था अभी चला गया है, देखिए आउटपुट भी दे रहा है। तो यानी कि हमारा प्रॉब्लम जो है लगभग सॉल्व हो चुका है, और कहानी जो है यही माइक्रो आईसी से जो है हो रहा था। अगर ये अपने हाथ में नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, चलना था हमको भी जो है ये आईसी की वजह से ही हो रहा है।